तो बता दें आपको कि चौथे चरण का मतदान चल रहा है। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में 4 सीटों पर चुनाव है। खूंटी, सिंहभूम, लोहरदगा और पलामू में प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। और ऐसे में झारखंड स्टेट हमारे राकेश जी खूंटी लोकसभा क्षेत्र से हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करेंगे। राकेश जी, देखिये मतदान लोकसभा चुनाव एक ऐसा महापर्व है लोकतंत्र का, ऐसे में चुनाव शुरू हो चुका है। फिलहाल खूंटी से क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? देखिए अंकिता, मैं जहां खड़ा हूं काला माटी का इलाका है और मुझे जो जानकारी मिल पा रही है कि लगातार यहां पे वोटरों की संख्या बढ़ती जा रही है। आप देख सकती हैं हमारे पीछे जिस तरीके का माहौल है, और साफ तौर पे मैं दिखाना चाहूंगा थोड़ा पहले कि किस तरीके से यहां बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची हुई हैं। और जो जिस तरीके से हम बार बार कहते हैं कि इस इलाके में तमाम महिलाएं पुरुष सभी जागरूक होते नजर आ रहे हैं, तो ये एक लंबी कतार आप देख सकती हैं कि जिस तरीके से यहां पे दिखाई पड़ रहा है। तमाम लोग यहां पहुंचे हुए हैं, वोटिंग का दौर शुरू हो चुका है। और इस जगह की बातचीत की जाए तो कहीं ना कहीं ये जागरूक इलाका माना जाता है। खूंटी को लेकर हम बार बार चर्चा भी करते रहते हैं और कहीं ना कहीं ये कोशिश करते हैं यहाँ पे कि किस तरीके की भीड़ दिखाई पड़ रही है। सुबह से ही यहाँ कतार लग गई थी और कहीं ना कहीं लोग अपने वोटों को देने की तैयारी कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि किसी भी स्थिति में अपने मतदान का प्रयोग सबसे पहले किया जाए। और साफ तौर पर दिखाई पड़ सकता है कि आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ सबसे बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, पहली बार भी कई महिलाएं ऐसी होंगी जो कहीं ना कहीं अपने वोट का इस्तेमाल करेंगी। तो साफ तौर पर लगता है कि जिस तरीके से तैयारी थी खूंटी इलाके की वो पूरी तरह से देखने को मिल रही है। अभी तक जो जानकारी मिल पाई है इसमें कि लगातार लोग पहुंच रहे हैं, भीड़ आती जा रही है। हम कुछ महिलाओं से कोशिश करते हैं बातचीत करने की भी, और कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आप लोग आज वोट देने आई है, कितना लग रहा है, कितना सुखद लग रहा है, किस तरीके से देखती है आज के वोट को, कितना अहम मानती है वोट को? हम मानते हैं वोट को, अपना अधिकार है देने के लिए। कितना अच्छा लग रहा है आज, कितना आपका अच्छा लग रहा है? कहा जाता है कि पहले मतदान फिर जलपान, तो आप लोग सब सीधे मतदान करने पहुंच गई? करने आए हुए हैं मतदान। आप पहली बार वोट दे रही हैं? नहीं, दूसरी बार। दूसरी बार वोट? हाँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, कैसा लगेगा? आप कैसा लग रहा है, आप लोग कैसा क्या सोच रही है, यहाँ का विकास होगा? होना चाहिए, विकास होना चाहिए, मन में तो आशा है विकास होना चाहिए। आप लोग मांग करती थी, आप लोग प्रत्याशियों से बातचीत की थी, आप लोग कभी बातचीत की? किए नहीं, किसी से बात नहीं किए। ये अंकिता साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके का माहौल है यहाँ पे, और कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि जो वोटरों की संख्या यहाँ पे काफी दिखाई पड़ रही है। और साफ तौर पे लगता है कि अब तरीके से जिस तरीके से वोट होना चाहिए था, काला माटी एक कहा जाता है न, खास करके ये जो खूंटी का इलाका होता है, माना जाता था कि लोग जागरूक नहीं होते थे पहले, लेकिन अब की बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि यहाँ पे लगातार वोटरों की संख्या बढ़ती जा रही है। और सुबह से ही जिस तरीके से मतदान हो रहा है उसको लेकर साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि लोग जागरूक है, अपने अधिकार को समझ। और सबसे अहम बात कही जा सकती है कि महिलाएं बड़ी संख्या में दिखाई पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं जागरूकता बढ़ती जा रही है और लोग अपने अपने वोट का इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं। लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है राकेश जी, और ऐसे में झारखंड की बात करें तो झारखंड में 4 सीटों पर सुचारू रूप से मतदान भी शुरू हुआ है। ऐसे में आप जिस जगह पे मौजूद हैं, क्या वहां पे सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई, क्या व्यवस्थाएं की गई सुरक्षा के मद्देनजर, सुरक्षा बल कितने बल में तैनात है वहां पर? देखिए ये जो इलाका है, खास करके खूंटी की हम बातचीत करते हैं, तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि पहले इसमें ज्यादातर इलाके ऐसे थे जो नक्सल प्रभावित इलाके बताए जाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और मुझे जो जानकारी मिल पा रही है कि पूरे इलाके में सुरक्षा बल के जवानों को तैनात किया गया है। अंदर बूथों की बातचीत करें तो महिला पुलिस बल के जवानों को भी तैनात किया गया है, खासकर महिला पुलिस बल भी मौजूद है, और जिससे लगता है कि आने वाले समय में किसी तरह की जो बातचीत आती है। जरा वोट दे दिए? हाँ। आप क्या बोले हैं लोगों से, क्या बोले हैं आप, मांग आपका मांग क्या है? आप तो कहा देगा सरकार, तो हम कहा जानेंगे इसको, आप लोग कहा सेवा कीजिएगा। तो आपको अच्छा लगा वोट देने में? अच्छा लगा। हाँ हाँ। अभी हाथ में खाना खाते हैं कि हाथ में खाना खाते हैं? सबको बता दिए, बताइएगा जाके कि वोट देना जरूरी है। हाँ। चलिए आप जरा आएंगी, थोड़ा आपसे बात कर ले, क्या तैयारी है, आप चूंकि पूरे चीजों को व्यवस्था में भी मौजूद हैं, आप जरा इधर आ जाइए बाबा। क्या लगता है कि आप सुबह से लगी होंगी, कैसा चल रहा है यहाँ का? ठीक ही चल रहा है अभी तक, तो अभी कुछ ऐसा प्रॉब्लम सिचुएशन आया नहीं है। आप लोग किस तरीके से सहयोग कर रही है? जो मतलब जो चल नहीं सकते उन्हें जहाँ पे बूथ है वहाँ पे ले जाना, मतलब जो नहीं सकता उसको वहाँ पे पहुँचा देना। यस। और कैसा इलाका से लोगों का जागरूकता बढ़ाने के लिए भी आप लोगों ने पहल किया था पहले? हाँ।
कैसा लग रहा है आज के दिन? अच्छा लग रहा है कि सब कोई वोट दे रहा है, अपना जो मनपसंद जिसको उम्मीदवार बनाना चाहता है उसे वोट दे रहा है। इसके लिए महिलाओं की संख्या काफी है, कितनी जागरूकता बढ़ी है? बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, आप देख सकते हैं महिलाएं बहुत ज्यादा है बोल के। ये अंकिता साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरीके का माहौल की हम चर्चा करते हैं बार बार कि कहीं ना कहीं इन सारी चीजों के बीच से हम इन यहाँ की तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं कि जो बुजुर्ग लोग आ रहे हैं उनको लोग यहाँ पे वॉलंटियर्स मौजूद हैं जो उनको सहयोग कर रहे हैं। और साफ तौर पे आप देखिए कि किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम की बातचीत की जाए तो पूरे स्कूल परिसर में अलग अलग जगहों पर पूरा सुरक्षा बल के जवान तैनात किए गए हैं। और मेरी जो जानकारी है कि इस इलाके की बातचीत की जाए तो कहीं ना कहीं कई सुरक्षा बल के जवानों को अलग अलग हिस्सों में रखा गया है जिससे किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हो। और खास करके मैं चर्चा कर रहा था कि हाल के दिनों की बातचीत की जाए तो इस इलाके में जो नक्सल प्रभावित इलाके थे वो थोड़े कम हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वोटों का प्रतिशत भी बेहतर देखने को मिल सकता है। और मैं जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, अभी तो सुबह का वक्त है, पहले कहा जा सकता है कि पहले एक घंटे दो घंटे का वक्त है, तो ऐसे मौके पर अगर इस तरह की भीड़ है तो लोग निश्चित तौर पर जा रहे हैं कि पहले वोट दे दे फिर आगे की तैयारी करें, दिनचर्या की तैयारी करें। लेकिन निश्चित तौर पर देखा जा सकता है चाहे खूंटी का इलाका हो, चाईबासा का इलाका हो, या फिर पलामू का इलाका हो और लोहरदगा का इलाका, इन चारों इलाकों की बातचीत की जाए तो चारों इलाके कहीं ना कहीं बड़े सेंसिटिव माने जाते थे एक जमाने में। लेकिन आज इसी इलाके की महिलाएं अब पहले वोट फिर आगे की काम करने की तैयारी करते आई हुई हैं, तो साफ तौर पर लगता है कि जागरूकता भी बढ़ी है और लोग कहीं ना कहीं अपने अधिकार और अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक होते जा रहे हैं। अंकिता, राकेश जी, हम बात करें तो 5 साल एक लंबा समय होता है जब कोई भी जनप्रतिनिधि उनके लिए जब जनता के लिए कुछ काम करते हैं तो जनता भी अपने मन में कहीं ना कहीं विचार बना लेती है, सोच लेती है कि उन्हें कौन कौन से अहम मुद्दे हैं जिन पर उन्हें वोट देना है, या फिर ये भी वो सोच लेती है क्या उनके जो जनप्रतिनिधि उन्होंने कुछ काम किया है या फिर नहीं, यही सब सोचकर वो बूथ पर जाते हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, हमने महिलाओं की भागीदारी भी देख पा रहे हैं कि लंबी कतार में वहां पर महिलाएं खड़ी हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाली। ऐसे में उनके मन में और कौन कौन से अहम मुद्दे की खूंटी लोकसभा की बात करें तो वहां पानी की समस्या हो, सड़क की समस्या लगातार वहां पर उत्पन्न होती रहती है, इसे लेकर भी लोगों के मन में बहुत सारी बातें आई, तो ऐसे में कौन कौन से अहम मुद्दे हैं जिन्हें लेकर इस बार जनता वहां पर पहुंची और वोट कर रहे हैं? देखिए, मुद्दे तो काफी है। खूंटी का इलाका जब कहा जाता है तो कहीं ना कहीं आदिवासी बहुल इलाका माना जाता है, कई तरह की चीजें पहले भी चलती आई हैं। आदिवासी बहुल इलाका होने के नाते वहां की कुछ कई सिस्टम, कई परंपरा और कई चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर सवाल पहले भी खड़े होते जा रहे हैं। लेकिन बुनियादी सुविधाओं की बातचीत की जाए तो मैं कई इलाकों में पहले भी गया हूं जहां अभी भी सचमुच पीने की पानी की व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन अब लोग जागरूक हो रहे हैं और मुझे लगता है कि थोड़ा कुछ लोगों से ही जानना चाहे तो ज्यादा बेहतर होगा और हम कोशिश करते हैं कि कुछ महिलाओं से ही बातचीत करें। ये आप लोग थोड़ा साफ से बात करना चाहेंगे, आप लोग से, आप लोग के यहाँ बुनियादी से पीने का पानी, बाकी चीज जो व्यवस्था होना चाहिए कितना हो पाया है अभी तक? कितना हो पाया है? नालो नहीं बनाया है, कुछ सुविधा नहीं है, हम लोग का तो नल में पानी ही नहीं आया है को बूंद। और क्या क्या चाहिए आप लोग? हम लोग को चाहिए, हम लोग जहाँ पानी पीते हैं वहाँ प्लास्टर करके थोड़ा ऊंचा करना चाहिए, हाँ जहाँ पीते हैं वहाँ। आपको क्या चाहिए, आप क्या सोचती हैं, आपको क्या क्या जरूरत महसूस होता है आज वोट देने? हम लोग का भी तो कुआं भी सही है ना रे, हम लोग का भी कुआं भी सही है, धसल धसल कुआं, पानी भी नहीं मिलता है, खाली नाल लगा दिया, नाल लगा दिया है। क्या क्या दिक्कत आता है? पानी का सुविधा और का बाथरूम तो पत्थर है तो कैसे बनेगा बाथरूम? बच्चों को पढ़ाई लिखाई का क्या होगा? कुछ नहीं मिलता है और का घर न कुछ, घर घर भी देना चाहिए, रहने वाला घर। चिकित्सा सुविधा मिलता है, डॉक्टर आते हैं, इलाज हो जाता है? नहीं, यहाँ नहीं आता है, जाना पड़ता है खूंटी, खूंटी दुबदाना हो जाना पड़ता है, यहाँ कोई सुविधा ले गया है दवा वाला। इंतजार कर रहे हैं, अभी तक मिला ही नहीं है इंदिरा आवास। लोग मांग करती हैं, आप लोग जब आते हैं लोग वोट मांग रहे हैं, आज आप वोट दे, आपका दस गया है तो ढूंढेगा। एक साल बारिश हुआ था ना, तभी बना हुआ तैयार वाला घर हमारे मेरा धस गया है, गिर गया है। आप लोग मांग करेंगे, अभी अभी आप लोग वोट देने आई है, फिर आएगा लोग नेता लोग तो बोलेंगे, उनको बोलेंगे, आएगा तब ना बोलेंगे। आप क्या सोचती हैं, आपको क्या क्या जरूरत महसूस होता है? क्या जरूरत है, हम लोग को भी तो मकान चाहिए, मकान चाहिए, मिलेगा मिलेगा बोलता है, मिलवे नहीं करता है, जिसको मिल रहा है उसी को तो मिलते रहा है, जिसको नहीं उसको किस मिल बोले।
अंकिता देखिए ये कई सवाल अभी भी बने हुए हैं। मैं जागरूकता की जरूर बात कर रहा हूँ तो अपने वोट और अधिकार के प्रति जरूर वे जागरूक नजर आ रहे हैं, लेकिन साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जो बुनियादी सुविधाएं जिसका आपने भी जिक्र किया है उसमें अभी भी कमी महसूस हो रही है और लगातार इस बात को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मैं पहले भी कई इलाकों में जाकर देखा था ग्रामीण इलाकों में, वहां भी अभी भी कहा जा सकता है कि एक गड्ढा कोड़कर किसी तरह से पानी पीने की व्यवस्था की जाती है जिससे कई तरह की बीमारियां भी होती है। कई सामाजिक संगठन भी इस पर काम करने को तैयार है, लेकिन जो इलाका है काफी पिछड़ा इलाका माना जाता है। आज कहीं न कहीं ये लोग जरूर वोट देने आए हैं लेकिन अपने अधिकार के प्रति जागरूक हैं और उनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले समय में इन सारी चीजों को लेकर जरूर सवाल खड़े करेंगे। जी जी राकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आप बने रहिएगा, हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे किस तरीके से मतदान हो रहा है। तो ये थे हमारे साथ झारखंड स्टेट है जिन्होंने आपको खूंटी लोकसभा क्षेत्र से वो तस्वीर दिखाई किस तरीके से लंबी कतार में खड़े होकर मतदाता जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए खड़े हैं। लंबी कतार अहले सुबह से ही लंबी कतार में सभी खड़े हैं ताकि उनकी बारी आए और अपने वोट का इस्तेमाल कर सके। आपने उनके जनता की बात भी आपने सुनी कि आखिर उनके मन में क्या है, उनका सीधे तौर पर कहना है कि उन्हें वहां पे स्कूल की जरूरत है, वहां पे विकास की जरूरत है, सड़क की जरूरत है, कुआं जो खराब पड़ा है उसे भी सुधारा जाए। तो ये जनता की समस्याएं जो है जो जनप्रतिनिधियों के सामने वो रख रहे हैं ताकि उनके जनप्रतिनिधि जो जिस भी जनप्रतिनिधि को वो चुने वो उनके लिए काम करे।